अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। किसी नटवरलाल द्वारा ओएलएक्स पर एमयू के इंजीनियरिंग विभाग के प्रतीक चिन्ह के रूप में खड़े हुए फाइटर प्लेन को ओएलएक्स पर बेचने हेतु फोटो खींच कर डाल दिया गया है, जिसके बाद एमयू प्रशासन समेत छात्रों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर एक छात्र नेता ने कार्रवाई की मांग करते हुए मामला 420 का बताया है। तो वहीं एमयू प्रशासन जांच कर कार्रवाई की बात कह रहा है। बॉलीवुड की अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की एक पिक्चर बंटी और बबली लगभग सभी को याद होगी, जिसमें अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने बंटी और बबली का रोल अदा किया था। पूरी पिक्चर की स्टोरी के मुताबिक बंटी और बबली ताजमहल, लाल किला समेत अन्य सरकारी धरोहरों को बेचकर फ्रॉड करते हुए नजर आए थे। कुछ ऐसा ही मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से निकल कर आया है। दरअसल एमयू के इंजीनियरिंग विभाग के बाहर इंडियन एयरफोर्स द्वारा छात्रों को प्रैक्टिकल हेतु दिया गया था, जो कि एमयू के लिए एक धरोहर है, लेकिन इस धरोहर फाइटर प्लेन को किसी असामाजिक तत्व नटवरलाल द्वारा ओएलएक्स पर बेचने के लिए फोटो के साथ डाल दिया गया है, जिसकी कीमत 9,99,99,999 रखी गई है, जिसकी फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये मामला छात्रों के संज्ञान में आते ही उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए इसे 420 का मामला बताया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 6 मार्च 2009 में प्रोफेसर मुस्लिम ताज अहमद के टाइम पीरियड में इंडियन एयरफोर्स ने इसे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हमें भेंट में दिया था, और ये हमारे एमयू का एक धरोहर है, एक पहचान, एक आइडेंटिटी है। और जिस तरह ओलेक्स पे ये प्रकरण आया है, ये आइडेंटिटी थीफ का मामला है, ये फ्रॉड का मामला है, ये चीटिंग का मामला है। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी स्वस्थ और मानसिक व्यक्ति का ये काम हो सकता है कि किसी आइडेंटिटी, किसी धरोहर को इस तरह जो है मतलब ओलेक्स पे डालना, ये किसी स्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति की पहचान नहीं है। और इस पूरे प्रकरण में एमयू प्रशासन को ध्यान में रखते हुए इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरह का मामला नहीं आना चाहिए। ये हमारी एक पहचान को धूमिल किया जा रहा है। कॉस्ट में देखा आपने, क्या कॉस्ट रखी है इसमें? जी, मैंने कॉस्ट, मैंने ओलेक्स पे देखा, मगर जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रखी गई है। जी ऐसे ही कुछ रखा गया है, तो ये एक भद्दा मजाक है और ये नहीं होना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप स्टूडेंट होने के नाते? मैं स्टूडेंट होने के नाते मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि यहाँ की जो भी प्रतीक चिन्ह है, जो भी धरोहर है, उसका देख रेख किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें इसी को देख के जो है अपने इतिहास को जानती हैं कि हमारे पास कंप्लेंट की गई है इसमें। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ये यहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ये प्रकरण एमयू प्रशासन के अंडर में पहुँच चुका है और उस पर एमयू प्रशासन जो उचित कार्रवाई करेगी। तो क्या कोई लेटर लिखा जा रहा है इसको लेके? इस पर जहाँ तक संज्ञान में आया है कि कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेटर वगैरह लिखा जा रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर एमयू के प्रोक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में आ चुका है, लेकिन ओएलएक्स पर इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। पूरे मामले पर जांच चल रही है, ओएलएक्स से भी इस मामले पर बात हुई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, ये बात अभी करीब 2 घंटा पहले हमें भी, 2-2.5 घंटा पहले हमें भी पता चला है, और हमारे पास भी उसका फोटो आया कि किसी ने ओएलएक्स पे डाला है कि ये जो हमारा फाइटर प्लेन है इसको बेच दिया है। हालांकि ये बिल्कुल टोटली गलत इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी अथॉरिटी ने ये चीज़ डाली है, ये किसी ने कोई किसी के कोई भी हो सकता है, अभी इसके बारे में मालूम नहीं कि ये किसने डाला है, लेकिन जो भी है वो बिल्कुल गलत है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा नहीं। हमने वहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी बात कर लिया है और भी लोगों से हमने बात किया, हर आदमी ने कहा कि नहीं, ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो अगर मान लीजिए कि जिसने भी किसी ने, अगर कोई बाहरी है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई इंटरनल कोई किसी ने डाला है तो उसके हिसाब से जो यूनिवर्सिटी के जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। क्या
उसमें हमने देखा उसमें प्लेन का फोटो लगा हुआ है और उसके नीचे उसका प्राइस लिखा हुआ है 9,99,99,999 रुपीस। ये उसके नीचे प्राइस कोटेड प्राइस है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं इसको पूरी तरीके से डिनाई करता हूँ और ये यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट नहीं, ना यूनिवर्सिटी की कोई पोस्ट है, ऑथराइज्ड कोई पोस्ट नहीं है। नहीं, ओलेक्स पर हमने जान को लेने की कोशिश की, हमने अपने एक असिस्टेंट डॉक्टर से कहा था तो उन्होंने देखने की कोशिश किया तो पता चला कि वो इस वक्त पर शो नहीं कर रहा है, अब शो नहीं कर रहा है। हो सकता उसे डिलीट कर दिया हो या जो भी हो, लेकिन बहरहाल अब इस वक्त पर ओलेक्स पर शो नहीं कर रहा है।